नमस्कार, बंजारा वीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक जाने माने फिल्म कलाकार, स्क्रिप्ट राइटर हरीश दत्त शर्मा जी से। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, आपको मैंने ये बोला कि आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, अभिनय से भी जुड़े रहे हैं जी, तो आपकी ये अभिनय की यात्रा कब से शुरू हुई? अभिनय की यात्रा मेरी लगभग 17-18 साल पहले शुरू हुई थी। मैंने फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन की, बरसात की कीड़ा। बस वहीं से मेरे को ये कीड़ा काटा और अभिनय की यात्रा शुरू हो गई। अमिताभ बच्चन से आपको इंस्पिरेशन मिली? बिल्कुल। इसलिए भी तो आपको लगा होगा कि आप उतने लंबे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, उनके स्टाइल से मेरे को भी लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो शुरू हो गया बस। तो कहाँ फिर आगे का कदम क्या रहा आपका? आगे का फिर मैंने छोटे छोटे क्ले किए, नुक्कड़ किए, सामाजिक संस्था से जुड़ करके काम किए, कैंसर की रोकथाम के लिए, गुटखा वगैरह रोकथाम के लिए, उसके लिए बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए। और फिर मेरा सफर बढ़ता चला गया। फिर मैंने दिल्ली में डीडी मेट्रो चैनल पर म्यूजिक धमाके के नाम से एक सीरियल आता था, उसके ऊपर करीब 50-60 एपिसोड किए। झांसी में भी किया, उसके अलावा दिल्ली में लोकल चैनल है शक्ति चैनल, उसके लिए भी सीरियल किए मैंने, उसमें बहुत सारा काम किया। इस बीच आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक रही? पढ़ाई लिखाई भी मेरी जारी रही। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई से बिल्कुल अलग हट गया। मैंने LLB की हुई है, BA LLB, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से की है, झांसी से ही। और उसके बाद फिर मैं लखनऊ गया, भारतीय नाट्य अकादमी से मैंने वर्कशॉप किया एक्टिंग का। और राइटिंग का शौक मेरा ऐसा रहा कि मेरे बड़े भैया लिखते थे जी, तो उनको देख करके। क्या नाम है उनका? उनका नाम है महेश दत्त शर्मा, और उन्हीं को देख करके मैंने लिखने का भी काम किया। और जब से लिखन कार्य भी मेरा जारी है, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, डायलॉग लिखता हूँ, और कहानियाँ वगैरह भी लिखता हूँ। फिल्म शॉर्ट फिल्म लिखी है मैंने बहुत सारी, और की भी है। तो आपने जो पुस्तक वगैरह भी लिखी है, जैसा कि मुझे ज्ञान है, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को वो पुस्तकों के बारे में बताएं। बिल्कुल। किस मुद्दों पे लिखी हैं आपने पुस्तक? वैसे जनरल सब्जेक्ट हैं, और ज़्यादातर मैंने बायोग्राफी लिखी है, जो संघ के RSS के जो लीडर्स हुए हैं, नेता हुए हैं बड़े बड़े, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उन सबकी बायोग्राफी जीवनी लिखी है मैंने। और मेरी धर्म से संबंधित भी किताबें हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जी दिखाइए। यह है महाभारत की कहानियाँ। अच्छा। महाभारत में जो राजा महाराजों की, और जो सीख देने वाली है आज के लोगों को, कि सीख मिले, प्रेरक संग जो कि लोगों को कुछ सीखने को मिले, ऐसी कहानियाँ होते हैं। और ये भी हैं, ये पुराण, इसमें पुराणों के बारे में बताया गया है, और उसकी कहानियाँ हैं, मानव संस्कार जो भी होते हैं, वो सब इसमें उसका निचोड़ है। और ये वेदों की कथाएँ, ये अध्यात्म से जुड़ी है, वेद में अध्यात्म है, और इस साधना को बताया गया है, इसी संबंधित जो कहानियाँ हैं, सब कहानियाँ शोध पर है। शोध पर है जी। इसके अलावा भी और भी पुस्तकें आपकी प्रकाशित, कितनी टोटल पुस्तकें? मेरी करीब 50 पुस्तकें हो चुकी हैं। अच्छा। एक तो साईं बाबा की है जी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है जी। और गुरु नानक देव जी पर है जी। और हेमचंद जी की जीवनी लिखी है, और भी जारी है अभी काम मेरा। शर्मा जी, आपने अभिनय की यात्रा की, बुंदेलखंड को अभिनय से भी जोड़ा, आपका अभिनय बुंदेलखंडी फिल्मों में भी देखा गया है, उनका भी उल्लेख कीजिए। बुंदेलखंडी फिल्में की मैंने बहुत सी शॉर्ट फिल्म भी लिखी हैं, करी हैं, बुंदेलखंड के शोले नाम से मेरे दोस्त हैं समीर खान, उनके साथ में अपनाई है, और काफ़ी प्रचलित फिल्म रही है, लोगों को बहुत पसंद भी आई है, और इसी से और लोगों को भी प्रेरणा मिली है कि हम बनाएं। जबकि देखा जाए कि शोले एक ऐसी फिल्म है जिसके हजारों वर्जन बन चुके हैं। बिल्कुल। और तो इसी से सोच करके, वैसे कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि आपने देखा होगा कि बहुत से प्ले हैं, कहानियाँ हैं, उससे फिल्में बनती हैं, तो लेकिन मैंने सोचा कि शोले को स्टेज पर उतारा जाए। अच्छा अच्छा। तो मैंने स्टेज प्ले लिखा था शोले का, स्टेज प्ले तो हो नहीं पाया वो, लेकिन फिर बाद में समीर खान से दोस्ती हुई और इस पर फिल्म बनाई गई, तो स्टेज का जो सपना था वो भी अधूरा ही है, शोले को स्टेज पे उतारा जाए। अच्छा, हो सकता है आगे वो भी जाए जी। शर्मा जी, लेखन, अभिनय
और स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब तो आपके शौक है ही जी, इसके अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण शौक होंगे आपके? कॉलेज टाइम से देखा जाए तो मेरा शौक था ट्रैवलिंग का, और मेरा भाई छोटा वो भी इसी लाइन में था, तो उसने सोचा कि हम लोग कहीं यात्रा पे जाया जाए, तो हम लोगों ने विचार बनाया कि ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कर ना पाया। तो हमने सोचा कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला लेह लद्दाख में, वहाँ जाया जाए। तो उस समय से इतनी स्थिति भी अच्छी नहीं थी कि हम लोग साइकिल भी खरीद सकें, तो प्रयास किया गया। धन्यूलाल जी हैं, चंदपाल जी, उन्होंने हमें साइकिल दी। हम लोग चार लोग गए थे, जिसमें से आमतौर पर लोग वहाँ मोटरसाइकिल से जाते, मोटरसाइकिल से जाते हैं। ये साहस किया और अब हम लोग साधारण साइकिलों से पहुँचने वाले पहले व्यक्ति हैं वर्ल्ड में। अच्छा अच्छा, तो आपके साथ साथ और कौन कौन गया था? मेरा छोटा भाई राकेश दत्त शर्मा और मेरा एक मित्र आर्थर राज और सूरज प्रसाद वर्मा, चार लोग हम लोग गए थे, जिसमें से सूरज प्रसाद वर्मा जी की तबीयत खराब हो गई थी तो श्रीनगर से वापस आ गए थे, और एक मित्र हैं आर्थर राज, वो लेह में ही रुक गए थे, उनकी भी वहाँ तबीयत खराब हो गई थी। तो लेह से 39 किलोमीटर है खरदुंगला जी, खरदुंगला तक पहुँचने के लिए देखा है। जी आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप जानते हो उसके बारे में पूरी। सबसे वर्ल्ड की मोटरेबल रोड है वो, और उसकी ऊँचाई 18,380 फीट, सांस लेने में भी मुश्किल होती है। वहाँ पे अगर आप 1 किलो वजन भी उठा रहे हैं चल रहे हैं तो बड़ा साहब 50 किलो उठा रहे हैं, अलग अलग चुमके क्षेत्र हुआ है जी, मान लीजिए जी। तो साइकिल तो अपन खींच के ले जानी पड़ती थी, जैसे समझ लीजिए आप, लेह से खरदुंगला था 39 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हमने सुबह 4 बजे शुरू किया था और हम लोग शाम को 4 बजे पहुँचे थे। अच्छा अच्छा, मतलब इतना रास्ता। अच्छा, गए भी और वापस आए भी? वापस आए भी हैं। अच्छा अच्छा, और जब वहाँ से खरदुंगला से वापस आए तो हम आधे घंटे में आ गए थे, क्योंकि ढलान पर उतरने। अच्छा शर्मा जी, ये बड़ी अलौकिक और अविस्मरणीय यात्रा रही होगी। जी बिल्कुल, इसमें अवरोध किस तरह के आए थे? अवरोध तो रास्ते में आते ही हैं, सबसे बड़ी अवरोध होता है कि रास्ते में रुकना कहाँ है। कई जगह ऐसा हुआ कि किसी ने रुकाया भी हमने, किसी ने भगा भी दिया, तो पेड़ के नीचे सोना है, इधर सोना है। ज़्यादा गुरुद्वारे दिल्ली से जा कर के अपन कश्मीर तक देखें तो गुरुद्वारे बहुत हैं, तो गुरुद्वारे में सबसे अच्छी शरण मिली हमें, तो बहुत अच्छा सत्कार, सहयोग भी मिला, तो सबसे अच्छा शरण स्थल हमारा वही रहा। तो बाकी बाधाएं तो आती रहती हैं। ये कौन सी साल में आपने यात्रा की थी? ये हमने की थी 2002 में। अच्छा, तो इसको क्या आपने वो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड या कहीं लिम्का दर्ज कराया? लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने भेजा था, लेकिन वहाँ से भी ड्रॉप हो गया, और क्रीज बुक में भेजा तो हमारी बदकिस्मती रही कि वहाँ भी दो भाई, अफ्रीका में एक किलिमंजारो नाम का ज्वालामुखी है, दो भाई वहाँ पर गए थे साइकिल से ही, वो हमारे जहाँ हम गए उससे थोड़ा ऊँचाई पर था, इसलिए हमारा ड्रॉप हो गया, तो हमारा क्रीज बुक में नाम नहीं आ सकता। शर्मा जी, ये तो खैर आपके महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है और बुंदेलखंड के लोगों को इस पर गर्व भी करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन आज हमारे इंटरव्यू के माध्यम से इस बात की जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा आप जीविकोपार्जन के लिए इन दिनों क्या करते हैं? जीविकोपार्जन तो देखिए वो सबसे पहला काम है, एक्टिंग और ये सब अगर अच्छे लेवल पर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन शौकिया तौर पर कर रहे हैं तो फिर जीविकोपार्जन के लिए सबसे पहले करना जरूरी है। मेरा जनरेटर का काम है, मैं और छोटा भाई पाल कॉलोनी में हमारा वर्कशॉप है, वहीं पर हम लोग वर्कशॉप चलाते हैं, जनरेटर बेचते हैं, खरीदते हैं, सुधारते हैं। कितने वर्षों से इस काम? इसमें करीब हमें 16-17 साल हो गए हैं। तो इस काम से आपके जो रियल काम है, जो आपको लिखना पढ़ना वो सब करना, उस पर अवरोध तो नहीं आता? नहीं, ऐसी कोई बाधा तो नहीं आती, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छे से करा जाए तो सब काम आसानी से हो सकते हैं। शर्मा जी, 2023 चल रहा है, शुरू हो गया है, नए साल में आप क्या नया सोचते हैं करने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, हर कोई सोचता है कि नए साल में कुछ नया किया जाए। हाँ। मैंने भी सोचा है कुछ ऐसा किया जाए तो कि बरसों याद किया जाए ना। हाँ। तो कुछ शॉर्ट फिल्म ऐसी लिखी है मैंने, जो कि मैं खुद बनाऊंगा उनको, तो उसी पर काम चल रहा है, तो भविष्य में आपको दिखाई देगी। अगर ईश्वर आपको मिल जाता है और वो आपसे दो वरदान मांगने को कहे, ख्वाहिश पूरी करने को कहे, तो क्या मांगेंगे? टेढ़ा क्वेश्चन है। चलिए, दो वरदान है ना। अब इन कामों के अलावा मेरा सामाजिक कामों में रुझान रहा है,
तो शुरू से करीब 20 साल हुए हैं। पल्स पोलियो है, सफाई अभियान है जो अभी चल रहा है, करीब 20 साल पहले हम लोगों ने सफाई अभियान चालू किया था और एक मुट्ठी अनाज के नाम से हमने काम शुरू किया था। हर तरफ से घर घर से एक मुट्ठी अनाज लेते थे और लोगों को जो गरीब रहते थे उनको बांटना था। तो मेरा एक सपना ये है कि अगर मैं कुछ बन जाता हूँ तो इस वर्ष से यही मांगूँगा कि कुछ बन जाऊँ और ऐसी कॉलोनी बसाऊँ जिसमें जो गरीब लोग हैं उनका पढ़ना लिखने का सब उसमें व्यवस्था वहाँ पर कर सकूँ। ये तो ही वर्णन है। और दूसरा कि जो ईश्वर ने दिया है वो पर्याप्त है, अब जो देना चाहे दे सकते। जी शर्मा जी, आप अपने परिवार के बारे में भी बताएं कि कहाँ से आपका उद्गम है और कैसे आपने अपने आप को इस फील्ड में जोड़ा। रहने वाले हम लोग अजमेर के हैं, पुष्कर से, अजमेर जिले में पुष्कर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहीं पर हम रहने वाले हैं। तो मैं अपने दादाजी से शुरू करता हूँ। जी, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर शर्मा अपने ज़माने के जाने माने आर्किटेक्ट रहे हैं, जो कि ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता थी। जब दिल्ली बसाया जा रहा था, जॉर्ज पंचम आने वाले थे, तो उस समय दिल्ली बसाया जा रहा था, तो वर्ल्ड के 3 इंजीनियर चुने गए थे उसमें, एक जर्मनी के थे, एक इंग्लैंड के थे और हिंदुस्तान से मेरे दादाजी से। अच्छा। तो दिल्ली को बसाने में उन तीनों ने नक्शा बनाया। क्या नाम था आपके दादाजी? श्री चंद्रशेखर शर्मा। अच्छा। और अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो दिल्ली गेट देखिए, वहाँ पे मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद मेरे फादर स्वर्गीय ओम दत्त शर्मा जी, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं और यहाँ बुंदेलखंड में जितने भी डैम्स वगैरह बने हैं सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। माता टीला वगैरह है, सरदार सरोवर है, वो तो सब गुजरात में, ये गोविंद सागर डैम है, ये सब उन्होंने बनाए हैं। और जब वो लाहौर में पढ़ते थे, देवानंद जी और मेरे फादर दोनों साथ में हाई स्कूल में पढ़ते थे लाहौर में। उसके बाद जब देवानंद जी यहाँ बॉम्बे आ गए तो फादर भी बॉम्बे गए पढ़ने, सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़े। तो वहाँ से भी उन्होंने देवानंद के साथ में कुछ फिल्में की, लेकिन कहा जाता ना पहले ज़माने में फिल्मों को अच्छा माना नहीं जाता था। तो दादी ने बुला लिया कि अगर आपको तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है तो वापस आ जाओ। तो वहाँ से लौट के आए, लौट के आगे देखा तो दादी जी आराम से घूम रही हैं, तो बहुत गुस्सा हुई है, लेकिन फिर दादी ने जाने नहीं दिया, तो वो फिल्म लाइन से कट गए वहाँ से। देवानंद जी ने बहुत बुलाया लेकिन वो जा नहीं पाए, तो उन्हीं का अंश समझ लीजिए उसी को लेकर के मेरे कुछ जीवाणु में कीटाणु में एक्टिंग। हाँ, मतलब आपका डीएनए उसी से है, तो आप उसी की वजह से इस लाइन में सक्सेसफुल स्थिति में जी रहे हैं। उसी लाइन में फिर मैंने भी ये लाइन पकड़ी और जीविका के लिए कुछ करना ही था, तो जनरेटर का काम किया है, वैसे एलएलबी किया हुआ है मैंने। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताइए, बुंदेली फिल्म लाइन को ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, जबकि भोजपुरी और अन्य जगह में बहुत कुछ आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्या वजह लगती है आपको? कलाकारों की कमी नहीं, लोकेशंस की कमी नहीं, सब कुछ बहुत शानदार है, आप जैसे अच्छे राइटर्स भी हैं, फिर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए, इसका सबसे कठिन सत्य है कि लोग जो बढ़ते हैं आगे उनकी टांग खींची जाती है, ये कठिन सत्य है, क्योंकि कड़वा सत्य है, आप घूट नहीं उतरेगी गले से, क्योंकि झेला भी है मैंने। इसके आपस में जो लैग पुलिंग की आप बात कह रहे हैं, इससे तो बुंदेली कल्चर को, बुंदेली फिल्म लाइन को नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंचेगा, ये तो कलाकार को सोचना है ना, वो एकजुट नहीं है, वो एकजुट होंगे भोजपुरी वालों को देखिए, एकजुट है वो लोग, है ना, यहाँ पर क्या एकजुटता नहीं है, सब फैल फुट हैं, सब अपने अपने मस्त है, अपने कर रहे हैं, कोई बढ़ता भी है तो उसके साथ नहीं देते हैं, कुछ हैं तो फिर वो अपने काम धंधे में लगे हुए, तो अपने वो सोचते हम क्यों करें। सबसे बड़ी शर्मा जी, आपके इस सारे जानकारी जो आपने दी है, इसके अलावा भी कोई और भी ऐसे शौक हैं जो ज्यादातर आप किसी को बताते ही नहीं? ऐसे शौक तो कुछ खास नहीं है, इसमें देखा जाए तो कुछ ऐसे शौक हैं जो कि अब क्या काम धंधा है, इसमें थोड़ा सामाजिक उससे कट गया हूँ मैं, तो मैं समाज के लिए कुछ करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता,
नए साल में संकल्प करेंगी बिल्कुल कुछ नया करने बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पंजाबी बीट्स को आप देख रहे हैं बरसों से, कुछ अलग तरह का प्लेटफॉर्म बनाया है लोगों को जोड़ने का, एक कुटुंब जैसा बनाने की योजना है। ये अलग बात है कि सफर कितने होंगे तो वक्त बताएगा। हम चाहेंगे आप हमें दर्शकों को, क्योंकि आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो कोई संदेश दीजिए। देखिए बहुत से चैनल्स मैंने देखे हैं, उस पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग काम तो करते हैं लेकिन क्या ऐसे मुद्दे नहीं उठाते हैं या ऐसे लोगों को नहीं पकड़ पाते हैं जो कि पब्लिक में हैं, कुछ नया कर रहे हैं और अच्छा खासा होते हुए भी अपने को उभार नहीं पा रहे हैं। बंजारा बीट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैंने बहुत से देखे कि कुछ नया मिलता है, जो भी आता है बिल्कुल अलग हटके होता है उसमें। तो दर्शकों से मैं यही चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि बंजारा बीट्स एक ऐसा माध्यम है जहाँ नए नए कलाकारों को, राइटर हो, एक्टर हो, किसी भी फील्ड से हो, वो यहाँ पे अपने हुनर को पेश कर सकता है, अपने हुनर को यहाँ पर दिखा सकता है और ये एक माध्यम ऐसा है जिसके माध्यम से वो अपने आप को उभार सकता है। बाकी तो और है लेकिन इतना कामयाब नहीं है। तो ये थे हरीश दत्त शर्मा, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लगभग 50 पुस्तकें लिखी हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी इनका अपना एक अलग ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने अपनी सारी यात्रा बंजारा बीट के साथ शेयर की। बंजारा बीट से बात करने के लिए शर्मा जी बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपके चैनल पर स्थान दिया उसके लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।